What's up guys, this is Guru Man. कल शाम को मैं गया था कार बाय करने के लिए और रात को कार ले आया, तो वहां का व्लॉग तो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, साथ में आपको इस वीडियो के थोड़ा प्ले कर दूंगा। गाड़ी ले आया हूँ, चाबी मेरे पास है और जैसा कि यू नो लुकिंग फॉर अ लार्ज साइज SUV, तो मेरे दिमाग के अंदर एक GLS 550 था, जी वैगन थी और रेंज रोवर थी। तो तीनों गाड़ियां देखने के बाद आई पिक्ड रेंज रोवर SHE 400 horsepower सुपरचार्ज, वो खड़ी है। चलिए आ जाइए क्विकली। मेरी वाइफ, शी वांट वाइफ व्हाइट कलर और मेरे पास माजराडी व्हाइट है और आगे जो गाड़ी लेकर आऊंगा और आई माइट गो विद द व्हाइट कलर। इस गाड़ी को मैं यहां लाता हूं, थोड़ा पीछे लाता हूं और इसका अंदर आपको टूर दिखाता हूं। बहुत ही लेग रूम बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर हम ट्रंक की बात करें तो यू सी ट्रंक ओपनिंग, मतलब है कि यहां पर आराम से बैठकर आप ये कुछ फीचर अभी हम यूज करेंगे, जैसे आउटडोर बारबेक्यू पार्क के बाद जगह नहीं है तो आप ये एज अ सिटिंग इसको बना सकते हैं। काफी बड़ी स्पेस बहुत ज्यादा है जो कि हमें चाहिए थी। जिया का सामान, जब यू नो आप फादर बनेंगे या फादर है आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा सामान होता है बच्चों का अलग से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रूम चाहिए। काफी कुछ लैंड रोवर ने गिफ्ट दिया हुआ है, ये विंडशील्ड है, ये नेट है जिसमें आप अभी लगाऊंगा, मैं अभी ओपन किया, जिया का काम है सारा, नेट लगेगा, ये एक्स्ट्रा यू नो फ्लोर मैट्स है, कार्गो किट है जिसके अंदर व्हील क्लीनिंग स्टफ, तो कार्गो किट है, टायर प्रेशर, टेम्पररी लाइसेंस प्लेट, लगाने की जरूरत नहीं है, जब नहीं आ जाएगी लगा दूंगा, तो ये टेम्पररी लाइसेंस प्लेट है जैन तक 2021 तक। अब जब DMV से पेपर आएगा फाइन। अगर आप यहां से देखें तो मैं अपनी कार की सारी सीटें यहीं से गिरा सकता हूं, सो सीट सारी फोल्ड हो जाएगी ऑल द वे, सो इस तरह से अगर मुझे कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए तो सीटें ऑटोमेटिक गिरेगी। साथ में गाड़ी की हाइट जो है, मतलब इस गाड़ी को 6 से 8 इंच ऊपर कर सकता हूं, नीचे गिरा सकता हूं। अगर आप देखें, दिस कार इज गोइंग डाउन लो, सो जैसे आप पहाड़ी पर चलाते हैं यू सी। बाकी ये जो कार की हाइट एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक है, सो बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस है। सो वो जिया की सीट है, उसको मालूम है, उसकी सीट लगी हुई है। तो दिस इज जिया मान, गुरु मान ने काफी एक्सेसरीज है, यू नो इट्स ऑल जिया। ये देखो जिया अपने फुटप्रिंट, इट्स ओके कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा फ्लोर मैट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जैसे कि ये रेन है तो बारिश है तो फ्लोर मैट चेंज कर सकते हैं, तो आपको जो आपके मेन फ्लोर मैट खराब नहीं होंगे, तो ये अनदर फ्लोर मैट है विच इज वाटर प्रूफ। अभी तो मैं खुद इसके फीचर्स नहीं मालूम, फीचर बहुत ज्यादा है। कीलेस है, कार फोन से स्टार्ट हो जाती है थ्रू ऐप, तो मतलब है कार को अंदर बैठकर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अंदर ही, जब सर्दियों का टाइम है, बहुत ठंड है और आपने गाड़ी गर्म करनी है, तो आप अपने फोन से कार को स्टार्ट कर दिया आपने और आपको जब गाड़ी गर्म हो जाएगी तो तब आप आराम से बैठ सकते हैं। इंटायर सिस्टम जो है गाड़ी का, इट इज जस्ट अमेजिंग। 3 स्क्रीन है, इफ यू सी 1, 2 एंड 3। So the gear comes out, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं गियर
ये गियर सिस्टम ये यहाँ पर है, पार्किंग ड्राइव न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। तो बेस्ड ऑन कौन से मोड में चलानी है, यू कैन डू दैट। और जब आप गाड़ी यहां से बंद करते हैं तो दिस गोज इन और गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो गई। पैनारोमा रूफ है फुल साइज। जो टायर इसके व्हील्स है ये स्टॉक व्हील्स है। अब स्टॉक व्हील्स है मतलब है कि ये 20 इंच 20 इंच स्टॉक है। I don't like it. मैंने उनको बोला मुझे I don't like it. Now they're giving 22s. तो 3-4 दिन के अंदर 22s या 24, मैंने वो ऑप्शन है 22 या 24 इंच के व्हील के लिए बोला हुआ है। और मंडे या वेंसडे को मैं जाऊंगा। और जो कैलिपर्स है यहाँ पर वो पेंटेड नहीं है, प्लेन है, ठीक है। तो इट विल बी पेंटेड रेड। I want to tell you कि व्हील स्पेस बहुत ज्यादा है तो 24 हैज नो इश्यू एट ऑल, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्पोर्ट वन, दिस इज अ लार्ज साइज रेंज रोवर, लार्ज साइज, सो दिस इज द बिगेस्ट साइज दे हैव। चलिए मैं इसको थोड़ा रोड वहां घुमाकर लाता हूँ, जस्ट चक्कर लगाऊंगा। और जब इसके व्हील्स आ जाएंगे ना, व्हील्स आ जाएंगे तब मैं आपको इसके व्हील्स दिखाऊंगा। तो मैं वो वेट कर रहा हूँ व्हील्स और कैलिपर एंड देन परफेक्ट हो, क्योंकि मेरी सारी गाड़ी के अंदर 20 इंच माजुराटी स्टॉक इन है, उसमें 20 इंच पोर्श में स्टॉक इन है। इसके बीच 20 इंच बहुत छोटे लगते हैं, गाड़ी बहुत बड़ी है, सो दिस इज 1 फीट लॉन्गर, जिससे क्या आपके पास लेग स्पेस ज्यादा है और ट्रंक में स्पेस भी ज्यादा है। और 6 इंच से 12 इंच गाड़ी ऊंची भी है, तो इसका मतलब अगर टॉल पीपल लॉन्ग एंड टॉल कैन इजी फिट इन, सो काइंड ऑफ लार्ज साइज एसयूवी। अब आप मैं क्या बताऊं इसके बारे में, मैं गाड़ी को रिव्यू देता नहीं। चलो मैंने सोचा नई गाड़ी ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं तो आपको व्लॉग में बता दूं। इसके क्या और फीचर्स है इसके बारे में अभी मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन सारे फीचर्स लोडेड है। ब्लाइंड स्पॉट, ऑटो ब्रेक, अपने आप स्लो कर दे गाड़ी अगर रस्ते में कोई आ जाता है, अगर आपका ध्यान नहीं है, अगर आपकी लेन से गाड़ी बाहर जाती है, अब आंख लगती है आपकी तो आपको लेन में ले आएगा। तो और ब्लाइंड स्पॉट्स है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई क्रॉस कर रहा है और आप टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बता देगा। वेल सी, चलिए क्विक राउंड लगाता हूं। छोटी सी वीडियो, छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट कार। जब भी कोई कार नई लूंगा मैं आपको बता जरूर दूंगा। तो बहुत टाइम के बाद एक बड़ी एसयूवी बाय की है, स्पोर्ट्स कारें हैं लेकिन एक एसयूवी मिसिंग पार्ट था। चलिए दैट्स इट, दिस इज गुरुमान, थैंक यू, आउट, बाय बाय।